पर्टिकुलर लैंग्वेज में मेंस दिया है, उनका इंटरव्यू भी वो लोग सिलेक्ट करते हैं लैंग्वेज फॉर इंटरव्यू एज नॉट इंग्लिश एंड सम अदर लैंग्वेज, सो इट मे बी अ सम स्टेट लैंग्वेज ऑल्सो. तो उनको फिर आई डोंट थिंक एनी टॉपर सो फार इन लास्ट 12-13 ईयर्स वी हैव हैड सो मेनी टॉपर्स इंटरव्यूज, कभी कोई टॉपर नहीं ऐसे नहीं, हर एक टॉपर ने हमको यही बोला. देर हैव बीन मेनी टॉपर्स हु हैव बीन फ्रॉम मराठी मीडियम ऑल्सो, उन्होंने स्कूलिंग मराठी मीडियम में की थी और वो लोग यहाँ पे एग्जाम दिया, उन्होंने इंग्लिश में ही लिखा है, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करके सर्विसेज ज्वाइन किए. तो देर इज नथिंग लाइक दैट, इवन वर्नैक्युलर स्टूडेंट्स ऑल्सो डू. और मुंबई में तो हम क्या ग्रेजुएशन तो आपका कॉलेज तो इंग्लिश मीडियम में ही है ना, कि मराठी मीडियम कॉलेज इतना तो अपना यहाँ होता नहीं हिंदी मराठी मीडियम, तो कॉलेज तो आप ग्रेजुएशन तो उसमें कर ही रहे हो, तो उतना इंग्लिश तो यहाँ पे अपने यहाँ होता ही है, कि दैट डजेंट मैटर, यू कैन जितना आपका ग्रास्प इंग्लिश का. पैनल को नहीं आ रहा है वो लैंग्वेज, जैसे फॉर एग्जांपल मराठी भी सिलेक्ट किया, पैनल में सब मराठी नहीं है, उनको नहीं आता है, तो देयर इज अ ट्रांसलेटर सिटिंग, जो आप मराठी में बोलोगे वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उनको बोलेगा. तो इन सच केसेस मेनी अ टाइम्स इंटरव्यू पैनल बोलता है आपको इंग्लिश, यू आर कंफर्टेबल विथ इंग्लिश, थोड़ा बहुत आता है, तो यू डायरेक्टली टेल अस इन इंग्लिश ओनली, ट्राई, इट्स ओके. दैट इज वॉट द इंसिस्ट ऑन, रादर देन यूजिंग अ ट्रांसलेटर, बिकॉज ट्रांसलेशन में जो एसेंस है आपका वो क्लियरली नहीं आएगा कि आप क्या बोलना चाहते हैं, वो ट्रांसलेट करके बोलेगा. तो दे प्रिफर कि यू आंसर डायरेक्टली इन वॉट एवर, दे ट्राई टू मेक यू कंफर्टेबल एंड दे एम्फेसाइज कि आप इंग्लिश में हमको बताओ, चलेगा.